हेलो फ्रेंड्स फाइनली आप सभी का नीट 2020 ट्वेंटी, ट्वेंटी के राउंड राउंड वन का रिज़ल्ट फाइनली जारी हो चुका है तो आप अपना रिज़ल्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हो और अगर आपने देख लिया है तो उन सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेसन जिनका सिलेक्शन हो चुका है इस वीडियो में हम बातें करेंगे कि एम सी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ ऑफिशियल नोटिस डाले गए हैं उन नोटिस के अंदर क्या लिखा गया है क्या बोला गया है तो जो भी स्टूडेंट्स नीट ट्वेंटी ट्वेंटी क्वालीफाइड स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो नोटिस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट नोटिस की बात करते हैं कि एक्चुअल में उस नोटिस के अंदर दिया गया है तो देखिए फ्रेंड्स ये नोटिस है आपका सिक्स uh, नवंबर को ये जारी हुआ है काइंड अटेंशन कैंडिडेट दिया है एज पर द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेक्रेटरी एन एम सी एम सी आई द फॉलोइंग टू कॉलेजेस आर बींग रिमूव फ्रॉम द सीट मैट्रिक्स बिफोर सीट प्रोसेसिंग ऑफ राउंड वन ऑफ अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग टू थाउजेंड ट्वेंटी आप सभी को पता है कि सीट मैट्रिक्स जारी हो चुकी थी और सीट मैट्रिक्स के अंदर जो सीट प्रोसेसिंग हुई है राउंड वन का जो रिजल्ट आया है उनमें दो कॉलेजेस को रिमूव किया गया है अब वो कौन से दो कॉलेजेस हैं क्योंकि अब ये नोटिस इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने इन कॉलेजेस को प्रेफरेंस दी होगी और प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो कॉलेज उनको अलाउड नहीं हुआ होगा इसलिए दो कॉलेजेस uh, 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 कौन कौन से है देखिए दत्ता मेघा uh, मेघे मेडिकल कॉलेज uh, नागपुर के अंदर है दूसरा है मणिपाल मणिपाल के अंदर है टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर सेदपुर झारखंड ठीक है आ, तो ये दो कॉलेजेस हैं जो सेंट पैट्रिक्स के अंदर रिमूव किए गए हैं अब हम सेकंड नोटिस की बात करते हैं कि सेकंड इम्पोर्टेंट नोटिस कौन सा है तो देखिए ये आपका सेकंड इम्पोर्टेंट नोटिस है Uh, ये भी सिक्स ऑफ नवंबर को आपका जारी हुआ है दिया है इट इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन टू ऑल द कैंडिडेट दैट द प्रोविजनल रिजल्ट फॉर राउंड वन ऑफ अंडर ग्रेजुएट काउंसलिंग फॉर एम बी बी एस बी डी एस सीट इज नव अवेलेबल ठीक है फाइनल रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड ऑन सेवंथ नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी तो जो फाइनल रिजल्ट होगा वो कब डिक्लेयर किया जाएगा सेवन्थ नवंबर को मतलब आज के दिन आपका डिक्लेयर किया जाएगा एनी डिस्क्रिपेंसी इन द रिजल्ट में भी इन्फॉर्म टू एम सी सी ऑफ डी जी एच एस थ्रू ई मेल ऑन द ई मेल आई डी ठीक है और रिजल्ट जो है वो ईमेल आईडी इसके थ्रू भी इन्फॉर्म किया जाएगा आगे दिया है टिल एट पीएम ऑफ सिक्स नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी आफ्टर विच द रिजल्ट विल बी ट्रीटेड एज फाइनल इसके बाद जो रिजल्ट होगा वो फाइनल ट्रीट किया जाएगा कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू वेट फॉर द फाइनल रिजल्ट एंड अलॉटमेंट लेटर बिफोर प्रोसेसिंग फॉर बुकिंग ऑफ टिकट्स एक्सेप्ट फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग टू द एलाटेड कॉलेज देखिए जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पहले वेट करना पड़ेगा फाइनल रिजल्ट का और अलॉटमेंट लेटर का उसके बाद ही उनको अपनी टिकट वगैरह बुक करवानी है जैसे कॉलेज के अंदर अलॉट जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसको रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करने ये टिकट करने से पहले आपको अपना फ़ाइनल रिजल्ट और अलॉटमेंट लेटर लेना है वहाँ से ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपकी दो इंपॉर्टेंट नोटिस है अगर अभी भी आपको कोई डाउट होता है इन नोटिस से रिलेटेड या फिर एडमिशन से रिलेटेड तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ओके थैंक यू फ्रेंड्स